तो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। नया दिन नया व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही जस्ट मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग के जस्ट बजे वो अभी 7:30 और जस्ट आज मॉर्निंग का जो व्यू है कुछ इस तरह से पहाड़ों में, और धीरे धीरे धूप आ रही है और सूर्यदेव प्रकट हो रहे हैं। बाकी नज़ारा आप देख ही पा रहे हैं, पहाड़ों में कुछ इस तरह से रहता है मॉर्निंग का व्यू और इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से रहता है आजकल मॉर्निंग में व्यू। और जस्ट अभी मैं अभी अभी उठा हूँ और आपने बाहर का व्यू तो देख ही लिया किस तरह से है। तो आज कुछ आवाज़ भी आपको ऐसी लग रही होगी क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला है, तो जिस वजह से आवाज़ भी आपको ऐसी आ रही होगी। तो बाकी आपने देखा ही किस तरह से है व्यू बाहर, काफ़ी मस्त रहता है मॉर्निंग में और काफ़ी कूल मौसम है। तो जस्ट देखते हैं आज क्या बनता है। बाकी मेहनत जारी है, आप लोगों का सपोर्ट मुझे थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो सपोर्ट कीजिए, खुल के कीजिए। और जो जुड़े होते हैं नए वो भी सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नहीं जाता आपका सब्सक्राइब करने से। और देखते रहिए, इस तरह के पहाड़ी ब्लॉग्स भी बनाता हूँ मैं। पहाड़ों से रिलेटिव होता है, नेचर से रिलेटिव होता है, तो इसी तरह के मेरे ब्लॉग्स आते हैं। तो जस्ट ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि भगवान बहुत दुख दे रहे हैं हमें, तो वो दुख नहीं दे रहे, वो तुम्हें उन चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोच रखी है। तो गाइस, शाम के बज रहे अभी 5:20 और जस्ट शिमला एयरपोर्ट का व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, कुछ इस तरह से दिखता है। और आज बादल फिर से आ चुके हैं और यहाँ का व्यू देखिए आप, काफ़ी मस्त नज़ारा है। तो जस्ट मैं गया था अभी मार्केट तक और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है अभी आप देख ही पा रहे हैं किस तरह का मस्त नज़ारा बना हुआ अभी। तो कुछ इस तरह का नज़ारा पहाड़ों पे आजकल और एकदम चेंज हो जाता है। मॉर्निंग में काफ़ी मस्त धूप थी और अभी देख सकते हैं आप धीरे धीरे बादल आ रहा है। तो कुछ इस तरह से जो भट्टी का व्यू और काफ़ी मस्त नज़ारा है यहाँ से। तो जस्ट मैं मार्केट तक गया था अभी बाइक पे और बाकी नज़ारा तो आपने देख ही लिया यहाँ पे किस तरह का नज़ारा है। और देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का नज़ारा रहता है यहाँ पे। तो जस्ट थोड़ा सा मार्केट से सामान लाया था और बाकी नज़ारा तो आपने देख ही लिया यहाँ का। गाइस देखिए चिड़ी कैसी आवाज़ निकाल रही है, ये देखो ये छोटी सी चिड़िया कितनी प्यारी चिड़िया है। एक तो फ़ोन में साली क्लियरिटी नहीं है, नहीं तो आपको बिल्कुल ओके दिखाता, जूम भी इतना ही होता है इसमें। काफ़ी सुंदर चिड़िया है, बाकी नज़ारा देख सकते हैं आप अभी का। और चिड़िया चहचहा जो भी करती है वो कर रही है अभी। तो गाइस 6:20 रह गए, बाकी नज़ारा तो उसे देख ही ले, कुछ जरा नज़ारा रहो है थोड़ा। और जस्ट अज दिन जो कर इतिहासिक दो काम जो बाकी होते था आने के बाद नज़ारा कुछ छेड़ा है। पैगा थी, धूप लगी बढ़िया मस्त करी ही और अबू लगी थी छाया छाया, तो क्या अभी धूप चली गई, अभी वो बादल आ रहा थोड़ा थोड़ा। बाकी ऐसे रहता पहाड़ों में नज़ारा देखा ही आपने। बाकी तो भाई साहब ऐसे बादल आए, देखो ऐसे आते हैं पहाड़ों में एकदम से बादल, नज़ारा बन जाता है ऐसे। तो रूम में लगा अभी ताला तो खोलते इसको, बाकी नज़ारा तो उसे देख ही लेता केड़ा नज़ारा रहता है अपने दो दिन न खड़ी दिया। भाई शाम के बज रहे 9:30 और जस्ट आप मेरे पीछे व्यू देख ही पा रहे हो किस तरह का नज़ारा रहता है पहाड़ों में। कुछ इस तरह का नज़ारा रहता है शाम के समय यहाँ पे और देख सकते हैं आप। तो जस्ट अभी मैं डिनर वगैरह करके फ्री हुआ हूँ और जस्ट बाकी आपने व्यू तो अभी का देख ही दिया किस तरह का व्यू है यहाँ पर। काफ़ी मस्त नज़ारा रहता है शाम के समय और देख ही सकते हैं आप कुछ इस तरह का नज़ारा रहता है शाम को। तो जस्ट मैं अभी डिनर वगैरह करके फ्री हुआ हूँ और लाइफ में और उनसे लड़ना चाहिए भी और अपनी मेहनत पर फोकस करना चाहिए। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, व्यूज़ डाउन चले लेकिन मैं हार नहीं मान रहा हूँ, तब भी लगा हूँ डेली और डेली मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं। आपको पता ही है बीच में इस साल थोड़ी सी गड़बड़ होगी
तो उस वजह से 3-4 ब्लॉग मेरे मिस हुए बीच में, लेकिन उसके बाद फिर से मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ज़िंदगी में ये सीखा है, जितनी हार मिलेगी उसके बाद जीत का समय मिलेगा। अभी तो शुरुआत है और मेहनत जारी है, तो मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे तो मैं और ज़्यादा करूँगा। तो बस दिन भर यही मेहनत जारी रहती है, तो काफ़ी बीच में काम भी होता है, उस वजह से बीच में नहीं बना पाता, लेकिन मैं कोशिश पूरी रखता हूँ कि दिन में 5-6 मिनट का व्लॉग तो शूट करना ही, चाहे जैसे मर्जी करूँ वो मैं करता हूँ। और आप लोगों का मुझे सपोर्ट भी है, ऐसी बात नहीं, आप लोग करते हैं तो करते रहिए, और काफ़ी जल्द बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे आपको ट्रैवलिंग के। तो अभी थोड़े समय मैं बोल रहा था आपको जिस तरह से कि मैं थोड़ा समय अभी कुछ चीज़ों की वजह से व्यस्त हूँ, तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद मैं कुछ ट्रिप्स आपको मिलेगी हिमाचल के नेचर से रिलेटिव। तो क्या करें, सब्सक्राइब करो यार ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, पहाड़ी ब्लॉग्स हैं मेरे, पहाड़ों के नेचर से रिलेटिव, तो देखते रहो। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन साइड में उसको ज़रूर प्रेस करो यार। मेहनत जारी है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और जो अपना फ्यूचर में जो सोच रखा है वो हम पूरा करके रहेंगे, आप लोग करवा के छोड़ेंगे, और मैं तो मेहनत ज़रूर करूँगा। तो मिलते इसी बार नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।